हैशटैग बॉलीवुड स्ट्राइक्स बैक को लेकर फिर से बोल पड़ी कंगना रनौत, हमारी झांसी की रानी। क्या बोला उन्होंने, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, खंबागिनी केम चो के रोहाल, कैसे काय, मैं हूं करण रजानी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड की खबरें लगातार हमारे साथ, हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। हमारी बॉलीवुड की झांसी की रानी कौन है ये तो आपको पता ही है। जैसे ही झांसी की रानी का नाम आता है, मणिकर्णिका का नाम आता है, आप समझ जाते हैं कंगना रनौत। कंगना रनौत वो शख्स है जिन्होंने कुछ ना कुछ SSR केस में, सुशांत सिंह राजपूत केस में बोला है, ड्रग्स माफिया के खिलाफ बोला है, नेपोटिज्म के खिलाफ बोला है, ग्रुपिज्म के खिलाफ बोला है। कंगना रनौत कभी भी चुप नहीं रही है। इतना तक उनको वाई सिक्योरिटी तक मिलने वाली वो पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिनको वाई सिक्योरिटी मिली, क्योंकि उन्होंने संजय राउत के साथ में पंगा लिया था। जी हाँ, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, संजय राउत के साथ में पंगा लिया था। संजय राउत ने उनके दफ्तर को तुड़वा दिया था, ये सारी बातें चल रही थी। ऐसे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिख दिया, लेकिन बॉलीवुड स्ट्राइक्स बैक को लेकर वो लिखती हैं कि कितनी बार भी तुम बॉलीवुड स्ट्राइक बैक लिख दो, लेकिन जो ड्रग के माफिया है, जो नेपोटिज्म वाले हैं, वो लोग का मैं पर्दाफाश करूंगी, और अगर तुम्हें केस करना है तो मेरे ऊपर केस कर दो। जी हाँ, वो कहती है कि इतना कुछ कर रहे हो तो मुझ पर भी केस कर दो। इतनी हिम्मत से कहती है झांसी की रानी कि मुझ पर भी केस कर दो। ये पहली बार नहीं है, नसीरुद्दीन शाह के साथ भी उन्होंने एक बार पंगा लिया था ड्रग माफियाज को लेकर। उसके बाद उन्होंने एक ट्विटर पर ट्वीट छेड़ा था जो आपने देखा होगा, नसीरुद्दीन शाह के साथ में वो भीड़ पड़ी थी, जहां पर नसीरुद्दीन शाह ने जो एक हाल ही में एक मूवी आई थी बैंडिज बैंक्वेट, उसके इसमें कुछ कह दिया था कंगना रनौत के लिए, और उसके बाद और ज़्यादा जो है वो भीड़ गए थे। लेकिन ऐसे में नसीरुद्दीन शाह अकेले नहीं है, संजय राउत अकेले नहीं है, तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, जी हाँ, तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर जो कि बॉलीवुड का साइड ले रही थी, उनके साथ भी पंगा ले चुकी है कंगना रनौत। और स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू को काफ़ी कुछ सुना चुकी है, इतना तक कह चुकी है कि कुछ लोग चाटते हैं, चापलूसगिरी करते हैं, बहुत बड़ी बात कह गई थी स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू को। ऐसे में इतने लोगों के साथ में झगड़े लेना क्या रंग लाएगा। लेकिन बॉलीवुड में भी वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड अंदाज, जो अपने जो सीन्स हैं उन्होंने बोल्ड अंदाज से दिए हैं, बातें भी जब वो बोल्ड अंदाज से करती है, कुछ उनके फोटोग्राफ्स भी लीक हुए थे जो कि उनके जो कपड़े थे उसके ऊपर लेकर कुछ ज़्यादा टिप्पणियाँ हो रही थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बोल्ड अंदाज में उन्होंने जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि मैं एक्ट्रेस हूँ और अगर मैं ये काम करती हूँ तो एक अभिनेत्री की तरह करती हूँ, बहुत बड़ी बात। ऐसे में झांसी की रानी के बाद तो उनका जो एक लुक है, जहाँ से पीछे से वो चिल्ला रही है और आगे खुद झांसी की रानी की जो वो फोटो है, पीछे उन्होंने अपने बच्चे को, वो एकदम रियल लुक था, उसमें लोग इतने ज़्यादा पसंद कर गए थे कि उन्होंने अपना मणिकर्णिका का दफ्तर बना लिया था, जो कि हालांकि अभी टूट गया है। ऐसे में उनका ये कहना कि मुझ पर भी केस कर दो, उन पर भारी पड़ सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे फिर एक स्टेटमेंट पास कर दिया है कंगना रनौत ने, और कहा कि अगर करना ही है तो मुझ पर भी केस कर दो, क्योंकि मैं भी अब बॉलीवुड स्ट्राइक्स बैक के खिलाफ हूं। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, मैं हूं एंकर करण रजानी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन, टेक केयर एंड गुड बाय।